हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट लर्निंग। आज मैं आपके साथ क्लास 12 बिजनेस स्टडी का यानी बीएसटी का कोर्स डिवीजन डिस्कस करने जा रही हूँ। न्यू कोर्स के अकॉर्डिंग यानी 2022 से लेकर 2023 के अकॉर्डिंग आपके नए सिलेबस जो है उसमें क्या चीजें डिलीट हुई हैं या क्या चीज नई एड हुई है आपके हर चैप्टर में, वो मैं यहाँ डिस्कस करूंगी। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। आपको पता चल जाएगा हर चैप्टर में क्या कितना पढ़ना है और कौन कौन से टॉपिक जो पहले थे और अब नहीं है या पहले नहीं थे और अब उनको इंक्लूड कर लिया गया है, वो सारी चीजें यहां आपको मैं हर एक चैप्टर के डिटेल टॉपिक वाइज बताऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 से, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। अगर इस चैप्टर की मैं बात करूं तो इस चैप्टर में से पहले यानी इससे प्रीवियस सेशन जो था उसमें भी कुछ नहीं डिलीटेड था और इस सेशन में भी यहां से कुछ भी डिलीट नहीं किया गया। कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव्स, इम्पोर्टेंस, आर्ट, साइंस, प्रोफेशन यानी नेचर ऑफ मैनेजमेंट, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, फंक्शंस, कोऑर्डिनेशन, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। यानी यहां इस पूरे चैप्टर में से कोई भी टॉपिक आपका डिलीट नहीं है। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं चैप्टर नंबर 2 से, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, कॉन्सेप्ट, सिग्निफिकेंस, फेयॉल्स प्रिंसिपल और टेलर के कंपैरिजन, ये भी कुछ भी डिलीट नहीं है। ये भी चैप्टर आपका पूरा सिलेबस में है, यहां से भी कुछ डिलीट नहीं किया गया है। एक चीज और ध्यान में रखिए कि अभी यहां मैं आपको डिलीटेड टॉपिक बताने के बाद और आपके साथ पूरा कोर्स डिस्कस करने के बाद ये भी आपको बताऊंगी कि हर चैप्टर का मार्क्स के अकॉर्डिंग कितना वेटेज है, यानी हर चैप्टर से आपके फाइनल एग्जाम, बोर्ड एग्जाम में हर चैप्टर में से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस बनते हैं, यानी पूरे के पूरे क्वेश्चन पेपर में हर चैप्टर कितना मार्क्स कैरी किए होता है, ये भी अभी मैं आपको लास्ट वीडियो के लास्ट में जरूर बताऊंगी। तो आगे आते हैं थर्ड चैप्टर की बात करें बिजनेस एनवायरमेंट की। तो बिजनेस एनवायरमेंट में आप कॉन्सेप्ट, इम्पोर्टेंस, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। डायमेंशंस भी पांचों हैं, डीमोनेटाइजेशन टॉपिक भी है, लेकिन इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये आपको नहीं पढ़ना है, ये आपके टॉपिक कोर्स में नहीं है। ये पिछली बार भी नहीं था, यानी ये जो ग्लोबलाइजेशन 1991 है और मैनेजरियल रिस्पांस टू चेंजेस बिजनेस एनवायरमेंट, ये सारी चीजें आपको नहीं पढ़नी है। ये पिछले टर्म में भी नहीं था, वहां भी हटा दिया गया था इस टॉपिक को, लेकिन पिछली बार डिमोनेटाइजेशन भी हटाया था लेकिन अब की बार डिमोनेटाइजेशन नहीं हटाया है, तो ये इंक्लूड कर दिया गया है। बाकी इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन नहीं पढ़ना है। तो बिजनेस एनवायरमेंट में से ये एक टॉपिक डिडक्ट है आपका। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं चैप्टर नंबर 4, दैट इज प्लानिंग। अगर प्लानिंग की मैं बात करूं तो प्लानिंग में से कॉन्सेप्ट, इम्पोर्टेंस, लिमिटेशंस पढ़ने हैं, प्लानिंग प्रोसेस पढ़नी है, सिंगल यूज एंड स्टैंडिंग प्लान्स यानी टाइप ऑफ प्लान जो है वो भी पढ़ना है। पिछले सेशन में ये हुआ था कि टर्म 1 में ये चैप्टर था और उसमें से ये टाइप्स ऑफ प्लान रिड्यूस कर दिया गया था, लेकिन नहीं, अब की बार कुछ भी इस तरीके का नहीं किया गया है। यानी 30% डिडक्शन जो था वो पिछले साल तक का ही था, इस साल उसे कंटिन्यू नहीं किया गया है, इसलिए ये टॉपिक आपका डिलीट नहीं है। ये पूरा चैप्टर आपको पढ़ना है, इसमें से कुछ भी डिडक्ट नहीं है। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर की। अगर मैं बात करूं तो ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर में से भी आपका कुछ भी डिलीट नहीं किया गया है, यानी कॉन्सेप्ट, इम्पोर्टेंस, प्रोसेस है ऑर्गेनाइजिंग का, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजिंग का यानी फंक्शनल, डिविजनल, फॉर्मल, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस, डेलीगेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, ये सारे टॉपिक आपको पढ़ने हैं, यहां से भी कुछ भी डिलीटेड नहीं है। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं चैप्टर नंबर 6, स्टाफिंग। स्टाफिंग में भी आपका कॉन्सेप्ट ऑफ स्टाफिंग, इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग कोर्स में है, डिडक्ट नहीं है, वो पढ़ना है आपको। इसके अलावा बात करें तो स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, ये पिछली बार डिलीट था टॉपिक लेकिन अब की बार ये डिलीट नहीं है, ये पढ़ना है आपको। स्टाफिंग प्रोसेस भी है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। यानी कि अगर मैं बात करूं तो स्टाफिंग चैप्टर यानी चैप्टर 6 में से भी कुछ भी डिलीट नहीं किया गया है, पूरा का पूरा ओवरऑल कोर्स आपके सिलेबस में है, या कहें पूरा का पूरा चैप्टर आपके सिलेबस में है। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं यूनिट 7 यानी चैप्टर 7 डायरेक्टिंग पर। डायरेक्टिंग में से भी कॉन्सेप्ट, इम्पोर्टेंस, एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग, मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन यानी कि डायरेक्टिंग के एलिमेंट्स जो हैं वो भी कहीं नहीं डिलीट किए गए हैं, पूरा का पूरा चैप्टर आपके कोर्स में है। पिछली बार कम्युनिकेशन में केवल आपको डेफिनेशन पढ़नी थी, बाकी बैरियर्स वगैरह रिड्यूस कर दिए गए थे, लेकिन अब की बार ये ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ पढ़ना है इस चैप्टर में से। नेक्स्ट हम जाते हैं नेक्स्ट है आपका चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 बहुत छोटा सा चैप्टर है, इसमें वैसे भी कुछ पिछली बार भी डिलीट नहीं किया गया था, इस बार भी नहीं,
क्योंकि इसमें केवल आपको ज्यादा कुछ पढ़ना ही नहीं होता, प्लानिंग कंट्रोलिंग का रिलेशनशिप बताते हैं, प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग बताया जाता है और कॉन्सेप्ट इम्पोर्टेंस, तो ये पूरा भी आपका चैप्टर 8 कोर्स में है। नेक्स्ट आते हैं पार्ट बी की ओर, यानी बिजनेस फाइनेंस एंड मार्केटिंग की ओर। तो इसमें अगर मैं बात करूं तो चैप्टर नंबर 9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट, पिछले टर्म में यहां से कुछ डिलीट नहीं था, अब के टर्म में भी यहां से कुछ भी डिलीटेड नहीं है। कॉन्सेप्ट, रोल, फाइनेंशियल डिसीजंस, जो 3 तरह के हम डिसीजंस लेते हैं वो भी पढ़ने हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग भी कोर्स में है, कैपिटल स्ट्रक्चर भी पढ़ना है, फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल, उनके कॉन्सेप्ट भी पढ़ने हैं, वहां से भी कुछ भी डिलीट नहीं किया गया, यानी ये पूरा चैप्टर आपके कोर्स में है। लेकिन आते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर, जो कि है फाइनेंशियल मार्केट। तो फाइनेंशियल मार्केट में कुछ चीजें डिलीट की गई हैं, पिछली बार फाइनेंशियल मार्केट में से कुछ डिलीट नहीं था, पूरा चैप्टर पढ़ना था आपका, लेकिन अब की बार इस चैप्टर में से डिडक्शंस किए गए हैं, और वो डिडक्शंस हैं आपके, जैसे फाइनेंशियल मार्केट में आपको केवल कॉन्सेप्ट पढ़ना है, यानी कि अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, केवल ये पढ़ना है, फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट नहीं पढ़ना है, और कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट के टाइप्स एज टाइप ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, यानी कि आप इन दोनों को टाइप्स के रूप में पढ़ेंगे तो ऐसा भी नहीं है, नहीं पढ़ना है। यानी कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट केवल कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है, इसके अलावा बहुत डिटेल में उनको नहीं पढ़ना है, ठीक। दूसरा आते हैं हम बात करते हैं मनी मार्केट। मनी मार्केट में आपको सिर्फ मनी मार्केट के कॉन्सेप्ट को पढ़ना है, यानी केवल इसकी डेफिनेशन को पढ़ना है, वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं मनी मार्केट के, जैसे कॉल मनी और ट्रेजरी बिल, ये सब इंस्ट्रूमेंट होते हैं मनी मार्केट के, वो नहीं पढ़ने हैं। बल्कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये आपके इस चैप्टर का, बहुत ही ज्यादा केस स्टडी इसमें से बनती थी, लेकिन अब की बार ये टॉपिक हटा दिया गया है, इंस्ट्रूमेंट नहीं पढ़ना है, ठीक। केवल आपको मनी मार्केट की डेफिनेशन यानी कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि होता क्या है मनी मार्केट, इतना सफिशियंट है। दूसरी बात करें इसी चैप्टर की, तो कैपिटल मार्केट में अगर हम देखें तो कैपिटल मार्केट में भी आपको टाइप्स नहीं पढ़ने हैं, या अगर मैं कहूं तो टाइप्स आपको इनबिल्ट टाइप्स नहीं पढ़ने हैं, यानी मैं आपको समझाती हूँ, कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल मार्केट आप पढ़ेंगे, प्राइमरी सेकेंडरी मार्केट को भी पढ़ेंगे, यानी एज अ टाइप आपको कैपिटल मार्केट में पढ़ना है, डिफ्रेंसिएशन बिटवीन कैपिटल और मनी मार्केट भी पढ़ना है, लेकिन मेथड जो है फ्लोटिंग न्यू इश्यू इन प्राइमरी मार्केट, यानी प्राइमरी मार्केट में आप शेयर्स को कैसे इश्यू करते हो उसका मेथड थे कई सारे, वो मेथड आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। यानी कि बहुत डीप डिटेल नहीं पढ़ना है आपको, ऊपर ओवरऑल आपको ओवरव्यू जो दे रखा है वो आपको पढ़ना है। इसी के साथ साथ डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट, ये आप पढ़ेंगे, इसमें से कुछ नहीं हटा है। तो अगर बात करें तो केवल ये जो फ्लोटिंग न्यू इश्यू के मेथड हैं वो नहीं पढ़ने हैं, ठीक। बाकी आपको चीजें इसमें कंसिडर करनी है। वहीं स्टॉक एक्सचेंज की बात करूं तो इसमें से भी कुछ नहीं डिलीट है, ये पूरा आपको पढ़ना है, मीनिंग दिया हुआ है, फंक्शंस दिए हैं, ट्रेडिंग प्रोसीजर दिया हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये सब कुछ पढ़ना है, इसमें से कुछ डिलीट नहीं है। वहीं बात करें सेबी यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये भी पढ़ना है, इनके ऑब्जेक्टिव फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये पूरा पढ़ना है, इसमें से भी कुछ डिलीट नहीं है। तो अगर मैं कहूं कि इस चैप्टर में से क्या डिलीट है, तो यहां पे आपका मेथड ऑफ फ्लोटिंग न्यू इश्यू, नए शेयर्स को इश्यू करने के लिए जो मेथड यूज होते हैं वो डिलीट कर दिए गए हैं, और वहीं अगर पुराने वाले यहां से मैं बताऊं तो मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट हटा दिए गए हैं, ठीक। फंक्शंस ऑफ मार्केट नहीं पढ़ना है आपको, और साथ ही साथ मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट का आपको एज अ टाइप ऑफ फाइनेंशियल मार्केट नहीं पढ़ना है, एक छोटा सा टॉपिक दिया है वो भी नहीं पढ़ना है आपको। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर, मार्केटिंग। काफी लेंदी चैप्टर होता है आपका मार्केटिंग, तो मार्केटिंग ये लेंदी चैप्टर में से कुछ भी डिलीट नहीं किया गया है, आपको पूरा चैप्टर पढ़ना है, यानी मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट, मार्केटिंग मिक्स पढ़ेंगे, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, ये सारी चीजें पढ़नी है, यहाँ से कहीं कुछ भी डिलीटेड नहीं है इस चैप्टर में से। वहीं नेक्स्ट बात करें तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो चैप्टर है उसमें से भी कुछ भी डिलीटेड नहीं है, पहले आपका पुराना एक्ट था कंज्यूमर प्रोटेक्शन का, न्यू एक्ट आपका कई साल से 2019 को फॉलो किया जा रहा है, तो वही आप पढ़ेंगे यहाँ पे, तो यहाँ इस चैप्टर में से भी कुछ भी डिलीट नहीं है, एनजीओ फंक्शंस वगैरह सब कुछ पढ़ना है आपको। तो ये हो गया आपको कि आपके सिलेबस में क्या क्या टॉपिक आ रहे हैं और क्या नहीं। अगर मैं ओवरऑल एक रिव्यू दूं तो जो 30% डिडक्शन अभी पिछले साल तक किया गया था लास्ट 2 ईयर्स कोविड की वजह से, वो डिडक्शन सारे हटा दिए गए हैं बिजनेस स्टडी में, अब आपको पूरा सिलेबस पढ़ना है, बस बीच में कहीं कुछ थोड़े बहुत टॉपिक डिलीट किए गए हैं।
इसके बाद मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि हर चैप्टर का वेटेज क्या रहता है आपके एग्जाम में, यानी कि हर चैप्टर से रिलेटेड एग्जाम में कितने नंबर का क्वेश्चन वो कैरी करता है, कितने मार्क्स का आता है। तो अगर बात करें हम तो इस तरीके से आपकी बुक्स में भी दिया होगा मेरे ख्याल से। इसके अलावा यहाँ से भी आपका ये समझना बहुत जरूरत है ताकि जब आप चैप्टर अपने बोर्ड के लिए प्रिपेयर करें तो आपके दिमाग में आइडिया रहे कि कौन से चैप्टर पे सबसे ज्यादा आपको ध्यान देना है। तो अगर बात करें तो नेचर, प्रिंसिपल्स और बिजनेस एनवायरमेंट, ये जो तीन चैप्टर्स हैं आपके, ये आपके क्वेश्चन पेपर में 16 मार्क्स कैरी करते हैं। टोटल आपका पेपर मैं बता दूं तो 80 मार्क्स का पेपर आता है आपका, ठीक है। 80 मार्क्स का पेपर होता है, 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट यानी वाइवा और फाइल आपकी होती है, अभी उसके बारे में भी बताएंगे। 3 घंटे का पेपर होता है, ठीक है, 80 मार्क्स का होता है। तो अगर इस पेपर की बात करें तो ये जो तीन चैप्टर हैं ये 16 मार्क्स कैरी करता है, ये तीन चैप्टर के क्वेश्चन आपके पेपर में 16 मार्क्स आते हैं। इसके बाद आते हैं प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग जो है टॉपिक, वो आपका 14 मार्क्स कैरी करता है। इसके बाद स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये तीनों ही चैप्टर मिला के जब आते हैं तो ये तीनों चैप्टर का मिक्सचर आपका 20 मार्क्स का आता है, यानी तीनों चैप्टर में से, तीनों में से किसी दो चैप्टर, तीन चैप्टर या एक ही चैप्टर ऐसा इस तरीके का मार्क्स कैरी करेगा कि वो टोटल आपके क्वेश्चन पेपर में 20 मार्क्स बनाएगा। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल मार्केट, जो टाइप टर्म पार्ट बी का कॉन्सेप्ट है। इसमें से 15 मार्क्स के क्वेश्चन आपके बनते हैं, केस स्टडी थ्योरी मिला के बता रही हूं मैं, ऐसा नहीं है कि केवल थ्योरी ही, नहीं, थ्योरी केस स्टडी मिला के बताया जा रहा है कि 15 मार्क्स का क्वेश्चन आपके इन दो चैप्टर्स में से आता है। देन मार्केटिंग मैनेजमेंट और कंज्यूमर प्रोटेक्शन की बात करें तो वो भी 15 मार्क्स का आता है। तो ये पूरा मिला के आपका पार्ट बी 30 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और पार्ट ए में से आपके 50 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद ये टोटल आपका मिला के बन जाता है 80 मार्क्स का पेपर, ठीक। अगर मैं आगे बात करूं कि प्रोजेक्ट वर्क जो होता है उसमें क्या होता है, प्रोजेक्ट वर्क आपका टोटल मिला के 20 मार्क्स कैरी करता है। वाइवा आपका 8 मार्क्स का होता है, ठीक है, वाइवा 8 मार्क्स का होता है और जो प्रोजेक्ट फाइल आप बनाते हैं वो 12 मार्क्स कैरी करती है। यानी फाइल को ऐसे हल्का फुल्का बिल्कुल मत लीजिएगा आप, फाइल बहुत ही अट्रैक्टिव, बहुत ही अच्छी बनाइए, अट्रैक्टिव से मेरा मतलब है मीनिंगफुल फाइल बनाइए ताकि एग्जामिनर को आपकी फाइल में आपका एफर्ट नजर आए। क्यों? क्योंकि 12 मार्क्स आपके फाइल के होते हैं और उसी से रिलेटेड वो वाइवा या बाहर से भी वाइवा, बाहर से का मतलब है कि इन चैप्टर्स से रिलेटेड भी वाइवा और कहीं से भी कुछ भी आपके पूरे सिलेबस में से वो पूछ सकते हैं। तो वाइवा 8 मार्क्स का और प्रोजेक्ट फाइल 12 मार्क्स की, तो ये टोटल मिला के आपका 20 मार्क्स बनता है। तो इस तरीके से आपका पूरा 100 मार्क्स का जो बिजनेस स्टडी का पेपर है वो क्लियर आउट होता है। इसके अलावा आगे चल के मैं आपको, जब मुझे ऐसा नीड होगी कि आपको पैटर्न जानने की जरूरत है, तो मैं आपको बिल्कुल बिजनेस स्टडी का जो बोर्ड का पैटर्न है वो भी किसी दिन उसका भी वीडियो बना के आपको समझाऊंगी कि कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, पैटर्न क्या रहता है आपके क्वेश्चन पेपर का, 80 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर का क्या पैटर्न रहता है, उससे रिलेटेड वीडियो भी मैं जल्दी ही बनाऊंगी। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बाकी मैं दो सीरीज ऑलरेडी कंटिन्यूएशन में चला ही रही हूं, एक सीरीज है जिसमें मैं हर चैप्टर के केस स्टडी डिस्कस करती हूँ 10 क्वेश्चंस, और इसके अलावा थ्योरी के क्वेश्चंस भी हर चैप्टर के डिस्कस करती हूँ। तो ये सीरीज देखने के लिए और मेरे आगे के बिजनेस स्टडी के से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक करिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। आपका कोई सवाल है अपने इस बिजनेस स्टडी सब्जेक्ट को लेकर या कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में उसे जरूर लिखें, मैं जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी। और बाकी मेरे चैनल को शेयर जरूर करें और वीडियो यूजफुल लगा हो तो एक लाइक का बटन जरूर क्लिक करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।